धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पूजा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि संत पीर फकीर एक ही संदेश देते हैं कि प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करो, हर समय एक ही चर्चा फकीर करते हैं कि अच्छे नेक कर्म करो, सुमरण करो। सुमरण करने से इंसान अपने अंदर की बुराइयां, अंदर के बुरे विचारों, पाप कर्मों पर जीत हासिल कर सकता है और फिर बुरे विचार इंसान को अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं करते। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हर इंसान को सुख मिले, शांति मिले और हर इंसान परमपिता परमात्मा की दया मेहर रहमत के लायक बने, इसलिए ही पीर फकीर सबको प्रभु के नाम से जोड़ते हैं। प्रभु का नाम लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। संतों ने किसी से प्रभु का नाम जपवाकर खुद के लिए कोई करोड़ों रुपए इकट्ठे नहीं करने होते, उनका तो एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से हर प्राणी को सुख मिले। जैसे गृहस्थी दुनियावी लोगों की एक ही इच्छा होती है कि उनका घर, उनकी औलाद, उनका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं। कहता है कि मेरे वाले सुखी बसें, उनको पैसा मिले, उन्हें किसी चीज की कमी ना रहे। 99% लोगों का जो गृहस्थी हैं, जीने का यही मकसद होता है। आप जी फरमाते हैं कि संत फकीरों का लक्ष्य कोई और होता है। जिस तरह एक घर परिवार में रहने वाले मुखिया का सारा ध्यान अपने भाई बहन, बेटा बेटी, परिवार पर होता है कि उनको अच्छा मिले, वे अच्छा बने, उसी तरह संत पीर फकीरों का भी लक्ष्य होता है कि मालिक की जितनी भी औलाद है वो भी प्रभु की दया मेहर रहमत से माला माल जरूर हो। वो पीर फकीर
सबके लिए सोचते हैं, क्योंकि जो त्यागी तपस्वी हैं उनका फर्ज यही होता है कि वो दूसरों का भला सोचें, खुद थोड़ा दुख उठाएं और दूसरों को सुख पहुंचाएं। जो ऐसा सोचते हैं, अमल करते हैं, यकीनन वो मालिक के बहुत प्यारे भक्त होते हैं। तो संत पीर फकीरों का यह लक्ष्य निशाना होता है कि सृष्टि का भला हो और हर प्राणी मालिक की दया दृष्टि से, दया मेहर रहमत से खुशियां हासिल करे। गम चिंता परेशानियां लोगों को ना हो, उनमें बर्दाश्त शक्ति बढ़े ताकि आपसी झगड़े ना हो, ईर्ष्या नफरत ना हो, कोई किसी की टांग खिंचाई ना करे। उनकी सोच सर्वव्यापक सबके लिए होती है, सर्वसांझी होती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हर इंसान को सुमरण करना चाहिए और सुमरण पर कोई जोर भी नहीं लगता। लेट कर, बैठ कर, काम धंधा करते हुए और आप यकीन मानो कि जो सेवा सुमरण लगन से करता है, जिसके अंदर मालिक के खजाने हैं, वो जर्रा जर्रा सी बात पर कभी पारा ऊपर नीचे लेकर नहीं जाते। वह अपनी जिंदगी को एक रस बना लेता है, ना ही उसे गमों की मार तोड़ सकती है और ना ही खुशियां बहारें उसे मालिक से दूर कर पाती हैं। यानी खुशियों में बहकता नहीं और गम जा कोई चिंता आती है तो उसमें वह टूटता नहीं। मालिक की दया दृष्टि से, रहमो कर्म से वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह प्रभु से, प्रभु को मांगता हुआ, प्रभु से प्रभु की खलकत का भला मांगता हुआ कदम आगे बढ़ाता है। और एक दिन यहाँ वहाँ दोनों जहानों में खुशियों का हकदार बन जाता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।